But it is. But do you think so? Somebody concerned with him कि आपको under 19 या आपको NCA में सिर्फ इसलिए रखा गया है कि हमारे कोई बंदा हो आपने सिस्टम को चलाना है? हाँ. मुझे नहीं लगता. मैं NCA का हेड कोच रह चुका हूँ. बिल्कुल. मैं खुद दो साल हेड कोच रह चुका हूँ NCA का. कोई कम्युनिकेशन नहीं होती थी. यू हैव टू मेक एफर्ट टू आस्क फॉर थिंग्स. ये कम्युनिकेशन है. अब ये जो बाकी हमारे जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम की वजह से लोग बिचकर भाग जाते हैं. जाहिर सी बात. ये वरना कोई चक्कर नहीं है. लोग गलत नहीं है. हम सिस्टम को चलने ही नहीं देते. रिस्पेक्ट नहीं शो करते किसी की डोमेन की. बिल्कुल. जो हम इंजी की बात कर रहे हैं कि इंजी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने आया है. अगर वो उसको फ्रीडम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? हफीज की बात नहीं सुनेगी तो क्या हुआ? नहीं, फ्रीडम ऑफ व्हाट सेंस? देखें, हमने बात की, देयर इज अ बाउंड्री टू एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन. देयर इज अ बाउंड्री टू एवरी जॉब. अ चीफ सेलेक्टर्स जॉब इज टू सेलेक्ट अ टीम एंड सेंड इट ऑन द टूर. यही, इससे ज्यादा और क्या? मुझे बताएं, ये शो जोर का जोड़ है. ठीक है. यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट एंकर रख ली. ठीक है. आपसे कंसर्न ना किया गया. आर वी शोइंग रिस्पेक्ट टू यू? नॉट एट ऑल. व्हाई? Because it means we don't think so. You're that much concerned. So Inzi bhai is right there. वो तो replacement chief selector की replacement. नहीं, but पूरे system की बात कर रहे हैं. आपके first class में कौन से आप बंदों ने आगे decision करनी है? आपके under 19 में किसने आगे decision करनी है? यही तो चीजें हैं. But then फिर मैं उस तरफ आऊँगी. अब आपने मेरी example दी. मगर अगर कोई गेस्ट चेंज होगा सो मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जी चेंज हुआ है. मुझसे पूछा नहीं जाएगा कि फलाना गेस्ट चेंज हुआ है, क्योंकि मेरी डोमेन नहीं है वो. दैट इज माई प्रोड्यूसर्स डोमेन. फिर वही वाली बात आ जाती है ना. आप नहीं, अब मैं एंकर की बात कर, ठीक है, गेस्ट की बात नहीं कर. यू मिसिंग अ पॉइंट हियर. ओके. गेस्ट तो जो आएगा तो आपने मैनेज करना है उसको. तो इंजी भाई इज राइट देयर. नो, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल. अब आप अंडर 19 का सिस्टम चेंज हुआ अभी? बिल्कुल हुआ. आपको पता ही? जी बिल्कुल पता. क्या क्या चेंज आई मुझे इधर बताएं जरा. कोच चीफ वहां जूनियर सेलेक्टर में चेंज आई है. सबसे बड़ा चेंज जूनियर सेलेक्टर में आया है. तो वो उसका लिंक किसके साथ होना चाहिए? द सीनियर सेलेक्टर. सीनियर सेलेक्टर. अगर नहीं, अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं बताया गया तो देन व्हाट हैपन? फिर इशू होगा. थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल इशू. अभी इशू अंडर 19 पर है या इस वर्ल्ड कप की? नहीं, किसी का इशू नहीं है ये. मैं ये जो सिस्टम को देख के कह रहा हूँ ना, लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाते हैं? रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही. रिस्पेक्ट नहीं. आप यू थिंक यू नो, आपको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया, आपको हेड कोच बना दिया गया, आपको बैटिंग कोच बना दिया गया. बट यू हैव टू ओन योर प्लेयर्स. सिस्टम को ऑन करने के लिए एक एक बंदे को बताना पड़ता है, भाई हम ये करने लगे हैं. ये काम फिर बड़ों का है, जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर आई है. एग्जैक्टली. एक और बात इस पर मैं, यूसुफ भाई आप भी ऐड कर दीजिएगा. अभी जैसा कि हम जोर का जोड़ पे रोजाना बात करें कि टीम अभी हमारी इंडिया में खेलने गई हुई है, ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात है. अभी हमें क्या करना है? हमें इनको सपोर्ट करना है. तो क्या अगर अभी कोई ऐसा इशू आता है जिसको हम अभी अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी खबर आती है तो क्या ये राइट टाइम होगा, सही वक्त होगा इस तरह के? अगर इस्तीफा दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अगर तो अल्लाह ना के इस बात में कोई सदाकत है, तो टीम ऑलरेडी वहाँ पर गई हुई.